भारत के तेजस के आगे पाकिस्तान बेबस। तेजस उड़ान भरेगा, पाकिस्तान आहें भरेगा। भारत पाकिस्तान के बीच बहरीन में मुकाबला। पाकिस्तान का थंडर वर्सेस इंडिया का वंडर। दिल्ली से 2630 किलोमीटर दूर बहरीन के आसमान में होने जा रहा है एक बेहतरीन मुकाबला। वो मुकाबला जो भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैचों से भी बड़ा है, वो मुकाबला जो भारत की आन बान शान से जुड़ा है। श्रीलंका में भारत से शिकस्त खाने वाला पाकिस्तान अब बहरीन में भी बेबस होगा। वहां के भारत का दावा ही कर रहे हैं कि हमने, यानी भारत ने पाकिस्तान का जो मुआहदा हुआ था श्रीलंका के साथ $400 मिलियन का J17 सेंटर का जो वो हमने कैंसिल करवा दिए। श्रीलंका ने जो खरीदने थे पाकिस्तान से जहाज, वो श्रीलंका अब नहीं खरीदेगा। हमने बड़ा प्रेशराइज किया श्रीलंका को, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती से बने थंडर के सामने भारत का तेजस होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, मैं हूं सचिन अरोड़ा। आपने भारत और पाकिस्तान का मुकाबला करते हुए तो खेल के मैदान में देखा होगा या फिर युद्ध के मैदान में, लेकिन अब भारत और पाकिस्तान जमीन पर नहीं बल्कि हवा में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यह मुकाबला किसी युद्ध जैसा तो नहीं है, लेकिन जो इस मुकाबले में बेहतर साबित होगा, युद्ध के मैदान में जीत की संभावनाएं उसकी ज्यादा होंगी। दरअसल पहली बार किसी विदेशी सरजमी पर आयोजित हो रहे इंटरनेशनल एयर शो में भारत में निर्मित तेजस और चीन और पाकिस्तान में निर्मित थंडर विमान एक साथ अपनी ताकत दिखाएंगे। विशेषज्ञों की माने तो चीन और पाकिस्तान मिलकर भी भारत के स्वदेशी चमत्कार का सामना नहीं कर सकते। वो फाइटर जेट जिस पर इतराता है पाकिस्तान, वो फाइटर जेट जो है भारत की शान। वो फाइटर जेट जिसके कलपुर्जे चीन के हैं और पायलट पाकिस्तानी। वो फाइटर जेट जो भारत में बना और शुद्ध रूप से है हिंदुस्तानी। ये दोनों जब एक साथ उड़ान भरेंगे तो मुकाबला आसमान का सीना चीर देने वाला होगा। जिस JF-17 थंडर विमान को पाकिस्तान अपनी और चीन की दोस्ती की मिसाल मानता है, सच ये है कि वो बनता तो पाकिस्तान में है लेकिन उसकी चाबी चीन के ही हाथ में है। जिस JF-17 थंडर विमान को चीन और पाकिस्तान मिलकर बनाने का दावा करते हैं, असल में वो बनता चीन में ही है। पाकिस्तान उस पर मेड इन पाकिस्तान की मोहर भर लगाता है, लेकिन अब पाकिस्तान के इस थंडर का मुकाबला मेड इन इंडिया वंडर से होने जा रहा है जिसका नाम है तेजस। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी हल्का लड़ाकू विमान तेजस पहली बार भारत के बाहर शानदार उड़ान भरने जा रहा है। शुद्ध रूप से भारत में बने संपूर्ण स्वदेशी तेजस का तेज दुनिया 21 जनवरी से 23 जनवरी के बीच होने जा रहे बहरीन एयर शो में देखेगी।
ये पहला मौका होगा जब पाकिस्तानी एयरफोर्स का हिस्सा बन चुके JF-17 थंडर विमान और भारत की वायुसेना के लिए प्राण वायु बनने जा रहे तेजस का सीधा मुकाबला होगा। बहरीन के साखिर एयरबेस से तेजस और JF-17 थंडर विमान के मुकाबले की तस्वीरें आने में अभी वक्त है, लेकिन जी न्यूज आपको बताएगा कैसे शुद्ध देसी तेजस हर मुकाबले में पाकिस्तान और चीन की संयुक्त पेशकश JF-17 थंडर से 21 साबित होगा। जिस JF-17 थंडर विमान पर पाकिस्तान इतराता है, दरअसल वो रूस में कई वर्षों पहले खारिज किए जा चुके MiG-33 के डिजाइन पर आधारित। 1995 में रूस ने ये डिजाइन चीन के चेंगदू डिजाइन ब्यूरो को बेच दिया। रूस में खारिज किए जा चुके सिंगल इंजन विमान के डिजाइन को चीन और पाकिस्तान ने 1999 में अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालना शुरू किया और इसे नाम दिया गया JF-17। 2003 में JF-17 थंडर विमान ने पहली उड़ान भरी, लेकिन हकीकत यह है कि तेजस के मुकाबले JF-17 थंडर न सिर्फ पुराना है बल्कि कई मायनों में बेहद पिछड़ा भी है। जबकि तेजस खालिस तौर पर भारत में बना फाइटर जेट है, जिसे HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर तैयार किया है। तेजस चौथी पीढ़ी का विमान है। JF-17 थंडर विमान की तरह ये भी सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान है, लेकिन तेजस थंडर के मुकाबले ज्यादा हल्का है और इसके पास युद्ध के मैदान में बेहतर कलाबाजी दिखाने की ताकत भी है। तेजस Mach 1 की स्पीड 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जबकि JF-17 थंडर विमान सिर्फ 1960 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही उड़ान भर सकता है। तेजस सिर्फ 400 मीटर की हवाई पट्टी से उड़ान भर सकता है, जबकि JF-17 थंडर विमान को उड़ान भरने के लिए कम से कम आधा किलोमीटर यानी 609 मीटर तक दौड़ लगानी पड़ती है। इसी तरह तेजस Mach 1 750 मीटर लंबी हवाई पट्टी पर लैंड कर सकता है, जबकि JF-17 थंडर को लैंड कराने के लिए कम से कम 823 मीटर लंबी हवाई पट्टी चाहिए। तेजस की कीमत करीब 200 करोड़ रुपए है, जबकि एक JF-17 थंडर विमान 180 करोड़ रुपए में तैयार किया जाता है। तेजस में हवा में ही विमान भरने की सुविधा मौजूद है, जबकि JF-17 थंडर विमान में ऐसा करना मुमकिन नहीं है। इसके अलावा भी तेजस ज्यादा आधुनिक, ज्यादा तेज और ज्यादा हल्का लड़ाकू विमान है। फिर भी तेजस भारत की रक्षा पंक्ति में तीसरे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तानी एयरफोर्स की रक्षा पंक्ति में JF-17 थंडर विमान सबसे आगे है। बस फर्क यह है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स में 50 JF-17 थंडर विमान उड़ान भर रहे हैं, जबकि भारत में अभी तेजस विमान परीक्षण के दौर से गुजर रहे हैं। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही 120 तेजस विमान भारतीय वायुसेना का हिस्सा होंगे। लेकिन इस बीच बहरीन में भारत में बनी भारत की ताकत और दुनिया भर से कॉपी कर रक्षा उपकरण बनाने वाले चाइनीज और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का ये मुकाबला देखने लायक होगा। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो हम क्यों आपको कह रहे हैं आप देखें जरा, और इसके लिए आपको अब लिए चलते हैं अदिति अवस्थी के पास, जो आपको बताएंगे से शोभ और भारत पाकिस्तान के इस दिलचस्प मुकाबले के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें। शुक्रिया सचिन। अपने सभी दर्शकों को बता दें कि ये एयर शो 21 से 23 जनवरी के बीच खाड़ी देश बहरीन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर की विमान बनाने वाली कंपनियां और वायुसेना के विमान हिस्सा लेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को पार्किंग के लिए एक ही जगह दी गई है। सखीर एयरबेस के पैड नंबर 15 पर भारत और पाकिस्तानी वायुसेना के विमान खड़े होंगे। भारत की ओर से जो तेजस विमान इस एयर शो में हिस्सा लेंगे वो तेजस LSP-4 और LSP-7 होंगे। जामनगर एयरबेस पर इन तेजस विमानों की पूरी जांच परख की गई है ताकि एयर शो के दौरान कोई भी दिक्कत ना आए। ये विमान बहरीन पहुंचने से पहले मस्कट में रुकेंगे और उसके बाद सखीर एयरबेस के लिए रवाना होंगे। ये पहला मौका होगा जब तेजस पहली बार किसी विदेशी एयर शो का हिस्सा बनेंगे, तो जाहिर तौर पर यह मौका बहुत खास है।